फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव पहलादपुर डीह की महिला सरपंच और उसके परिजनों पर पंचायत के करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों को ग्रामीणों के साथ साथ गांव के ही उन फौजी जवानों ने भी लगाया है जो सेवानिवृत्त होकर गांव में सुख चैन की जिंदगी बिताने आए थे, लेकिन सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने वाले ये रिटायर जवान यहां पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की महिला सरपंच और उसके परिजनों ने मिलकर पंचायत कोष के करोड़ों रुपए विकास कराने के नाम पर डकार लिए हैं, जबकि गांव में चारों ओर गंदगी का आलम है और जिस योजना के लिए पैसों का इस्तेमाल दिखाया गया है वो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, और जो कुछ काम किए भी गए हैं उनमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। करोड़ों के इस घोटाले की शिकायत रिटायर जवानों और ग्रामीणों ने सीएम विंडो, स्थानीय अधिकारी और स्थानीय विधायक को भी दी है। कभी हाथों में हथियार लेकर दुश्मन के सीने को छलनी करने वाले फौज के इन जवानों के हाथों में आज गांव की महिला सरपंच और उनके परिजनों के किए गए घोटालों की लंबी लिस्ट है। सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाले जवान आज रिटायर होने के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी किए हुए हैं। सेना से रिटायर होकर अपने गांव में आए फौजियों ने जब अपने गांव की दुर्दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि सरकार और प्रशासन की ओर से तो सभी सुविधाएं हैं और पूरा पैसा पंचायत को गांव के विकास पर खर्च करने के लिए दिया गया है। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने स्थानीय विधायक टेकचंद शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि सेना के रिटायर जवानों के साथ साथ पहलादपुर डीह गाँव के ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। पिछले दिनों पूरे हरियाणा के सरपंचों ने सरकार द्वारा लागू किए गए प्रिय सॉफ्टवेयर का जमकर विरोध किया था। अब ऐसे घोटाले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरपंचों ने सभी पंचायतों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रिय के जोड़ने का विरोध क्यों किया होगा। राजेंद्र कुमार, कौन से गांव से हैं आप? पहलादपुर माजरा डीह से। हमारा मसला यह है जी कि हमारे गांव में जो पंचायत है उसमें जो काम कार्य कर रही है उसमें काफ़ी अनियमितता है। हमारे गांव की दो साल की इनकम 1,79,00,000 रुपए है मार्च 2016 से मार्च 2018 तक की, जिसमें सरपंच ने पूरा पैसा गमन कर रखा है। केवल 30-35 लाख रुपये का खर्चा जो काम किया है जेन्युइन वो है। इनकम कैसी हो गांव की? इनकम हमारे गांव की 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए पर ईयर की है। गांव की पंचायत है जो जमीन है वो पट्टे पर उठती है हर साल के लिए, और 65 लाख रुपया लगभग DFCC से, हमारे गांव से DFCC की जो लाइन निकली है रेलवे लाइन उसका आया है पंचायत में, जो पंचायती जमीन गई है उसका पेमेंट आया है। किस चीज़ की शिकायत लेकर आए आप यहाँ? हम शिकायत इसकी लेके आए हैं कि हमने अपना RTI लगा करके सरपंच पे उसकी जांच CM विंडो पे डाली थी विजिलेंस के लिए, लेकिन हमारी जांच CM विंडो से फॉरवर्ड होकर के BDPO ऑफिस आई थी 6/4/2018 में, और 6/4 से अब तक हमारी एप्लीकेशन जो जांच है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप किस चीज़ की शिकायत करने आए हैं, क्या मसला हम है? इस चीज़ की शिकायत करने की है, गड़बड़ियाँ क्या की हैं? गड़बड़ी ये है सर कि उन्होंने जो जाल डाले हैं उन वहाँ पर एक भी जाल मौके पर कुओं के 4.7 टन के जाल हैं, जो मौके पर एक भी कुएं पर जाल नहीं है। करीब 12 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट हैं 2016 से 2018 मार्च तक। आप गांव में जाओगे तो आपको चारों तरफ अंधेरा मिलेगा, कहीं कोई लाइट बाय चांस जली हुई मिलेगी, कोई 2-3-4 खंभे के बाद एक खंभे पर लाइट मिलेगी आपको। तो 12 लाख की लाइट होने के बाद खरीदने के बाद गांव में उजाला नहीं है। डीजल उन्होंने 2016 में इतना खरीदा है जो हड़का ओवरफ्लो पानी निकालने के लिए कि अगर इंजन 24 घंटे भी चले ना तो भी इतने रुपए का डीजल नहीं फूकेगा। 6 लाख रुपए का डीजल फूका एक साल में। कितने दिन में 6 लाख? एक साल में। और क्या क्या है दूसरा? RCC के पाइप डाले हैं इन्होंने कोई 6 लाख रुपये के, जिसमें मुश्किल से 1 लाख रुपये के RCC पाइप डाले हैं, और 9.5-9 लाख ईंट खरीदी हैं इन्होंने जिनका कहीं कोई हवाला नहीं है। पंचायत के उसमें लगाई कहाँ है ये भी कोई हवाला नहीं है। केवल इन्होंने क्या बिल दे रखे हैं कि हमने मटेरियल खरीदा है नाली निर्माण के लिए, कोई नाली का निर्माण किसी एक नाली का निर्माण हुआ होगा बस एक दो का,
बाकी सब रिपेयर हैं। सरपंच कौन है? सरपंच वर्तमान में सरपंच कुमारी सुशीला भाटी हैं, लेकिन वो तो केवल नाम मात्र की सरपंच हैं। सरपंच ही उनका चाचा सुरेश कुमार चलाता है। तो आपने उनसे शिकायत की, आपने ये गड़बड़ियाँ की है? हाँ, हमने उनको बोला था, लेकिन वो किसी के कहने से बाज नहीं आते। उनके कान पर कोई जू नहीं चलती। सीएम विंडो पे शिकायत दी, सीएम विंडो पे जो शिकायत हमने दी है उसकी जांच के लिए बीडीपीओ दफ्तर से एक अधिकारी पंचायत अफसर जो है नरेश कुमार जी, वो 24 तारीख को गए थे सर, वो ये संडे जो गए उससे लास्ट संडे में गए थे, शाम को 5 बजे हमारे पास गए। दो चीज़ों की उन्होंने केवल इंक्वायरी की, उसके बाद वो चले आए एक घंटे करके। हमने उसमें 12 पॉइंट दिए थे सर, हमारी इंक्वायरी में 12 पॉइंट थे सीएम इंडो को जो हमने लिख के दिए थे, उनमें से 3 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। जबकि ठेकेदार ने जो पहला पॉइंट था हमारा, नहर पार एक नाली की रिपेयर की है उन्होंने, जो पंचायत देह की जो भूमि है उसकी आपासी के लिए पानी जाता है उसमें नहर से, उसमें उन्होंने 35,000 ईंट और 110 बैग सीमेंट खरीद दिखा रखी है, रसीद कटी हुई है, बिल कटा हुआ है। उन्होंने गड़बड़ियाँ मानी नहीं मानी आपने? नहीं, मौके पे जो ठेकेदार है। आप कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं कि सरपंच ने क्या किया है? हम ये कहना चाहते हैं कि सरपंच ने पूरे मामले में घोटाला कर रखा है। इसकी करीब 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला है सर। हम ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। विधायक जी से क्या आश्वासन मिला आपको? बात हुई विधायक से, क्या हुआ? विधायक जी ने हमसे हमें ये आश्वासन दिया है कि आपकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। मैं दर्शन सिंह, गांव पहलादपुर से, पोस्ट ऑफिस डीव। आज आप यहां पर विधायक टेकचंद शर्मा के पास आए हुए हैं, क्या शिकायत है और किस मामले में आए? शिकायत है जी कि जो हमारे गांव का विकास है, जिस तरीके से पैसा खर्च दिखा रखा है, उस तरीके से पैसा बता रखा है कि इतना खर्चा किया है, उस हिसाब से वो जमीन मतलब जो ग्राउंड में लगा हुआ नहीं, उस तरीके का विकास नहीं है गाँव में। तो कहना क्या चाहते हैं? इसकी सेवा की है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप रिटायर्ड फौजी हैं? हाँ जी। जो गांव की सेवा करने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त आरोप लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला बता रहे हैं आप, हाँ जी, क्या कहेंगे? आप सेवा कर रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं? उसे देख के बहुत मतलब दिल को दुख पहुंचता है कि जब हम इतनी ईमानदारी से देश की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ हमारे देश के भीतर जो हमारे लोग बैठे हैं वो आपस में इतना करप्शन करके अपना एक अपने खुद के स्वार्थ के लिए इतना घोटाला कर रहे हैं कि पूरे गाँव के जो गाँव की इनकम है उसे खुद ही खुद अपने स्वार्थ में अपने निजी व्यापार को बढ़ाने के लिए लगा रखा है। क्या फ़ायदा रहा उसका? हमारी ईमानदारी से ड्यूटी करने का फ़ायदा क्या रहा? कुल मिला के आपको जब आप आए हैं, हाँ जी, आपको कितने का पता लगा, कितने का घोटाला हुआ और किसने किया है? उसमें हमने एक सीएम विंडो पे एप्लीकेशन दायर की थी, उस एप्लीकेशन से हमें इन्होंने जो ब्यौरा दिया लिख के अपना बिल का आरटीआई में जो इन्होंने अपना ब्यौरा दिया उसमें इन्होंने 1,80,00,000 समथिंग 79,00,000 के समथिंग का हिसाब किताब दिया है। लगभग पौने दो करोड़। हाँ जी बिल्कुल, 2.25 करोड़ के लगभग होगा, जिसमें से कि 30-35 लाख रुपए लगे हुए हैं, जो कि फिजिकली ग्राउंड में जो दिखेंगे आपको, आप कभी गांव आओगे तो आपको दिखेगा गांव में किस तरह का विकास। आप कहना क्या चाहते हैं? कुल मिला के सरपंच कौन है और क्या आरोप लगा रहे हैं आप? सीधे सीधे बताइए। जो सरपंच है कुमारी सुशीला भाटी है, लेकिन काम जो कर रहे हैं उनके चाचा सुरेश भाटी कर रहे हैं, और इसमें एकदम क्लियर वंशवाद कर रखा है, बेटा है भट्टे का मालिक, बेटा है ठेकेदार है तो भाई है ठेकेदार। आप आरोप क्या लगा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो गांव का जो पंचायती पैसा है उसको गमन किया गया है। घोटाला क्या है? घोटाला ये है कि जो पैसे का घोटाला है उसको अगर जो ये सही तरीके से लगाते तो कम से कम दिखता, वो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, इस तरीके का घोटाला। इसकी कुछ ये लेकर आए जी, हमारे जो गांव में घोटाला किया गया है जिसमें सरपंच द्वारा जिसमें काफ़ी घोटाला है। लगभग कितने घोटाला? घोटाला कम से कम 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़। कौन सरपंच है? सुशीला भाटी। क्या क्या चाहते हैं आप? हम निष्पक्ष कुछ इंक्वायरी चाहते हैं जी, उच्च स्तरीय जाँच चाहते हैं। प्रहलादपुर माजरा डी के जो कुछ ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत की है सरपंच ग्राम पंचायत डी के खिलाफ। उन्होंने शिकायत में काफ़ी आरोप लगाए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और उसमें उन्होंने कहा है कि सरपंच ने लगभग 2 करोड़ का जो है गबन किया है। इसमें इस बारे में तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने इसमें इंक्वायरी ऑफिसर जो है सामाजिक न्याय एवं पंचायत ऑफिसर जो है हमारे श्री नरेश कुमार
उनको डिप्यूट कर दिया है। वो गांव में जाकर मौका भी देखकर आए हैं और उनसे ग्रामीणों से भी मिले हैं। साथ ही उन्होंने जो इनके शिकायतकर्ता के और सरपंच के बयान भी कलमबद्ध किए हैं। शीघ्र ही इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और जैसे भी तथ्य होंगे सामने आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। आज ही कुछ डी पहलादपुर माजरा के नौजवान साथी और एक सर्विसमैन थे, वो कुछ कंप्लेंट बता रहे थे कि वहाँ सरपंच के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीएम विंडो पे भी लगा रखी है। मैंने उनको बोला कि अगर मान लो कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच करा देंगे, और कोई खाली राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक परेशानी है तो उन चीज़ों में मैं साफ कहता हूँ कि गांव का अगर विकास करने में कोई हर्डल क्रिएट करता है तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उनकी जो बात थी वो सुनी और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्या आरोप लगाया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जाल नहीं पड़े तो उन जालों का मत जाना। उन्होंने कहा है कुछ वहाँ काम हुए हैं जो डीजल में हेरा फेरी है, कुछ 5-7 तरीके के एलिगेशन हैं। उनकी सारी सीरीजली देख करके कितना अमाउंट बता रहे हैं जिसका घोटाला बता रहे? देखिए मैं ग्रामीण आंचल को अच्छी तरह जानता हूँ, इतने घोटाले नहीं होते जितना वो बताते हैं। बाकी बढ़ चढ़ के उन्होंने तो कहा कि 1.5 करोड़ के घोटाले हैं। 1.5 करोड़ के घोटाले में ये नहीं हो सकता कि घोटाला एक अलग शब्द है। बाकी हो सकता है वहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मिसयूज ऑफ फंड हो, उसको देख करके बात करेंगे। तो जांच की बात कही? हाँ बिल्कुल, जांच की उन्होंने कहा है कि हमने सीएम विंडो पर भी लगा रखी है, हमने वीडियो को भी दे रखी है। और अगर उस आपने किसका जिम्मे लगाया जाँच? मैं वीडियो से कह करके ही इसकी जाँच भी कराऊँगा, और ऊपर भी अगर मान लो कोई बात उन्हें कोई डाउटफुल है फिर भी कोई ना कोई वो है तो विजिलेंस को भेज देंगे। फिर भी कम से कम कितना समय लग जाएगा इस जांच को पूरा होने में? पुलिस अधिकारियों हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि मतलब ना किसी को टाइम बाउंडेशन तो इसमें नहीं हो सकता कि भाई 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, बाकी हो सकता है महीना 20 दिन में इसका। लेकिन ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आप शिकायत लेकर आपके पास आए। देखो ये जाँच के बाद ही पता। कौन है सरपंच? और सरपंच वहाँ पे एक बिटिया है सुशीला भाटी। आपकी बात हो पाई उनसे इस बारे में? नहीं अभी मेरी बात इंस्पेक्टर पर नहीं हो पाई, मैं उनसे बात बैठ कर तो उनसे भी बात करूँगा। और उनको गांव में जैसे ग्राम सभा में उन्होंने कहा है कि भाई ग्राम सभा में ये बात आई थी, तो मैंने उनको कहा भी था कि भाई ग्राम सभा से बड़ी चीज़ तो हमारे ग्राम पंचायत में होती नहीं, उसमें जो भी अगर एलिगेशन है तो उसको ढंग से जाँच की जाए, ना कि मतलब ना उल्टे सीधे अनर्गल आरोप भी लगाए जाए।